लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मादक द्रव्यों की बरामदगी एवं कारगर कार्रवाई के दृष्टिकोण से चल रहे लगातार छापेमारी के फलस्वरूप वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के मिले अधिसूचना के आधार पर नगर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा 26 अप्रैल को अफीम एवं ब्राउन शुगर के साथ दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवकों में एक का नाम नजरुल आलम उर्फ सोनू है, जो हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। वहीं दूसरा अरशद आयुब उर्फ विक्की है, जो हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। आपको बता दें कि दोनों युवकों के पास से 37 ग्राम अफीम और 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। रांची को नशा मुक्त करने के लिए रांची पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। देखेंगे इसमें जो है CTSP के नेतृत्व में टाउन एरिया में बहुत जबरदस्त कार्यवाही हुई है। उसी कड़ी में पुनः दो गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से अफीम और ब्राउन शुगर दोनों बरामद हुआ है। जो क्वांटिटी है वो कमर्शियल क्वांटिटी है और कीमत करीब 2.5-3 लाख रुपये जो जब्त सामान है उसका कीमत है। इसमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो इसमें डीलर है, पेडलर है, वह फल दुकान चलाता है मुरादाबाद के कॉर्नर में और फल दुकान के आड़ में ये सब काम भी वो कर रहा है। ये दो गिरफ्तारी है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। ये लोअर बाजार एरिया से गिरफ्तारी, वैसे मुरादाबादी से कनेक्शन जुड़ा, क्या है ये? हाँ, गिरफ्तारी लोअर बाजार थाना प्रभारी को इनपुट मिला उनके एरिया से हुआ है, लेकिन इसका जो फल का दुकान है वो वहाँ पर है। वहाँ पर भी वो ये ट्रेड करता था। पहले गिरफ्तारी किनकी हुई? पहले गिरफ्तारी नजरुल आलम, ये हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, और दूसरा एक अरशद अयूब, ये भी लेक रोड इमामबाड़ा, दोनों हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। इस दोनों की गिरफ्तारी हुई है और ये अभियान चलता रहेगा और अपील है आम जनता से कि इसमें जो सूचना देकर सहयोग करें। हाँ, नजरुल आलम जो है पहले पोक्सो के एक्ट में आरोपित रहा है। बड़े सर, छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं, बड़े अपराधी का पीछे बड़े रोहतास से पकड़ के लाए थे हम लोग किन किन को। कोई भी जो सीजर हो रहा है, आप देखेंगे 2.5 लाख 10 लाख करोड़ में सीजर हो रहा है। बड़े अपनी ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।